हेलो फ्रेंड्स, माय भारत के स्पेशल प्रोग्राम बायोग्राफी में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। मैं सिमरन, आज मैं बात करूंगी फिल्म इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जो टेलीविजन शो डांसिंग क्वीन, दिल जीते की देसी गर्ल और वेलकम के लिए जानी जाती हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूं। उनका नाम है संभावना सेठ। संभावना फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। वीडियो में मैं संभावना सेठ के जीवन और उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। संभावना सेठ का जन्म दिल्ली में 21 नवंबर 1980 को हुआ था। इन्होंने मैत्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। संभावना चाहे कॉलेज हो या फिर स्कूल, डांस प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान बनाने में हमेशा कामयाब रही हैं। संभावना सेठ ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में एक मॉडल के तौर पर कर दी थी। संभावना के सुपरहिट गानों में बात करें तो वेलकम बैक और 36 चाइना टाउन का आइटम सॉन्ग शामिल है। दोस्तों, संभावना को बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका वर्ष 2001 में फिल्म पागलपन से मिला था, जिसमें इन्होंने दीपा मल्होत्रा नाम का सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। संभावना को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान शाहिद कपूर और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म 36 चाइना टाउन के सॉन्ग आशिकी में तेरी से मिला था। इस गाने में संभावना आइटम गर्ल के रूप में नजर आई थी। इसके बाद इन्होंने कई टेलीविजन डांसिंग रियलिटी शो डांसिंग क्वीन, दिल जीतेगी देसी गर्ल, वेलकम, बाजी महंगा नवाजी जैसे शोज में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, संभावना को हिंदी टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस सीजन 2 में और बिग बॉस सीजन 8 में भी हिस्सा लेने का मौका मिला था। जी हाँ दोस्तों, पागलपन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली संभावना सेठ रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 2 की प्रतियोगी भी रही हैं। साथ ही प्रतियोगियों के लिए एक चैलेंजर के रूप में भी भाग लिया था, लेकिन लास्ट में इन्हें शो छोड़ के जाना पड़ गया था। दोस्तों, संभावना की लव लाइफ की बात करें तो संभावना मैरिड है। इन्होंने अविनाश द्विवेदी के साथ शादी की है। दोनों पिछले 5 साल एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद संभावना सेठ ने जुलाई 2016 में अविनाश द्विवेदी से शादी कर ली। अविनाश पेशे से एक डांसर हैं, अभिनेता हैं और लेखक हैं। दोस्तों, अपने पति अविनाश के कहने पर संभावना सेठ ने अपना YouTube चैनल बनाया था, जिस पर वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी और फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। और आज की डेट में संभावना के चैनल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, संभावना सेठ ने बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए 50 से ज्यादा आइटम सॉन्ग्स में काम किया है। दोस्तों, संभावना इसके साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं, वो रोज जिम भी जाया करती हैं। दोस्तों, संभावना सेठ आज अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।